स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब हंट पे। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर सिलेबस लेकर आया हूँ जो कि प्राइमरी लेवल का है। फिलहाल अभी कोई इसकी आधिकारिक सूचना नहीं है कि वैकेंसी कब आएंगी या कितनी वैकेंसी आएंगी। कभी चर्चाओं में 51,000 की वैकेंसी रहती है तो कभी 97,000 की वैकेंसी चर्चाओं में रहती है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक सूचना इसके बारे में नहीं है। लेकिन वैकेंसी आएंगी, ये कब आएंगी इसके बारे में भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। जैसे ही आएंगी मैं आपको इसके बारे में वीडियो लेकर आऊँगा और इसके बारे में आपको बताऊँगा। और ये जो सिलेबस है ये 69,000 शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग है। अगर सिलेबस में कुछ बदलाव होता है नई शिक्षक भर्ती में तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दूँगा इसके बारे में। ओके, तो आइए देखते हैं कि यूपी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी लेवल में कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से इसमें टॉपिक आते हैं, किस सब्जेक्ट में। ओके, इसमें देखिए लगभग 14 सब्जेक्ट होते हैं और इसमें से कुछ सब्जेक्ट आप यूपी टेट में पढ़ चुके होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, शिक्षा मनोविज्ञान, मैथ, पर्यावरण, ये सब्जेक्ट जो है आप पहले ही यूपी टेट में आप इनकी तैयारी कर चुके होते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको देखने होते हैं। देखिए अध्ययन विषय इसमें जो है ये हिंदी भाषा, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी, ये आपका 40 नंबर का आता है। इसके अंतर्गत आपके व्याकरण, अपटिस, गद्यांश व पद्यांश, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं ये। नेक्स्ट जो है वो विज्ञान है आपका। विज्ञान देखिए 10 नंबर की आपकी आती है। इसके अंतर्गत आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, दैनिक जीवन में विज्ञान, गतिबल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता, यहाँ पे ये पोषण है, पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्था, ये विज्ञान के अंतर्गत आपको टॉपिक पढ़ने हैं। ये कितने नंबर का आता है, 10 नंबर की विज्ञान के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। गणित, गणित देखिए 20 नंबर की इसमें क्वेश्चन आपके आते हैं, ये 20 नंबर से आता है। इसके अंतर्गत आपको अंकीय क्षमता पढ़ना है, गणितीय संक्रियाएं पढ़ना है, दशमलव के स्थानीय मान पढ़ना है, भिन्न पढ़ना है, ब्याज पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, सर्वसमिकाएं, सामान्य ज्यामित, सामान्य सांख्यिकी, ये सारे टॉपिक आपको गणित के अंतर्गत, विषय के अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। देखिए ये जो है 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके पुटअप किए जाते हैं यूपीएससी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी लेवल के सिलेबस में, परीक्षा में। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, पृथ्वी की संरचना पढ़नी है, नदियाँ पढ़नी है, पर्वत पढ़ना है, महाद्वीप पढ़ना है, महासागर पढ़ना है, जीव सामाजिक संपदा पढ़ना है, महासागर व जीव पढ़ना है, प्राकृतिक सामाजिक संपदा पढ़ना है, अक्षांश और देशांतर पढ़ना है, सौर मंडल आपको पढ़ना है, भारतीय भूगोल के अंतर्गत ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये पर्यावरण का ज़्यादा जो पर्यावरण का टॉपिक भारतीय भूगोल में आपका कवर हो जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण, ये टॉपिक आपको, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये टॉपिक आपको पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पढ़ने हैं। और ये कितने नंबर का आता है आपका, 10 अंक का पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट आपका है शिक्षण कौशल। यहाँ से आपका 10 अंक का पुटअप किया जाता है, 10 अंक का मार्क का ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत आपको शिक्षण की विधियों एवं कौशल पढ़ना है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पढ़ना है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पढ़नी है, समावेशी शिक्षा पढ़नी है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं
प्रशासन, ये सारे टॉपिक आपको शिक्षण कौशल के अंतर्गत पढ़ने हैं और यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट आपका बाल मनोविज्ञान है, यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत आपको व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़नी है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं, सीखने की आवश्यकता की पहचान टॉपिक पढ़ना है, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हित विशेष व्यवस्था, ये सारे टॉपिक आपको बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ने हैं। यहाँ से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो सामान्य ज्ञान या समसामयिक घटना है, ये आपकी 30 अंक से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की, प्रदेश से संबंधित घटनाएं जो होती हैं वो आपको पढ़ना है, और स्थान से संबंधित, व्यक्तित्व से संबंधित रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृत एवं कला आदि। तो ये सारे टॉपिक आपको सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाओं के अंतर्गत पढ़ने हैं और यहाँ से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, यहाँ से आपके 5 अंक का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, पूछा जाता है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में। देखिए इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, एनोलॉजीज पढ़ना है, एसोसिएशन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स नंबर सीरीज, पजल्स सिंबल्स एंड नोटेशंस, वेन डायग्राम एंड डाइस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन एंड सनसेट टेस्ट, ग्रुपिंग एंड सेलेक्शन, इंफेरेंस लेटर्स एंड सीरीज। तो ये सारी जो टॉपिक हैं वो आपको तार्किक ज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन जो पुटअप किया जाता है वो कितने, 5 अंक का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सूचना तकनीकी। देखिए सूचना तकनीकी के अंतर्गत यहाँ से आपके 5 अंक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, शिक्षण कौशल विकास पढ़ना है, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय के प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, शिक्षण में उपयोगी एप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। तो ये आपको किसके अंतर्गत पढ़ना है, सूचना तकनीकी के अंतर्गत पढ़ना है और यहाँ से आपका 5 अंक का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्त। यहाँ से आपका 10 अंक का मार्क्स पुटअप किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है 10 अंक का। इसके अंतर्गत आपको व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, इसके अंतर्गत शिक्षण की भूमिका के अंतर्गत आपको सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, ये आपको शिक्षण की भूमिका के अंतर्गत आपको पढ़ना है। संवैधानिक और मानवीय मूल, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। ओके, तो यहाँ पे ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपको सिलेबस की जानकारी हो चुकी है। जो भी तैयारी करें यूपी प्राइमरी लेवल शिक्षक भर्ती की, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करें। सिलेबस से अगर बाहर से कुछ पूछा जाता है तो आजकल कोर्ट केस हो जाता है। अच्छे अंक लाने के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप सिलेबस के बारे में जान चुके हैं और अभी तक प्राइमरी लेवल यूपी उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती की कोई जानकारी नहीं है कि कब आएगी, लेकिन जल्दी ही ये योगी सरकार में हो सकता है निकल आए, इसलिए आप तैयारी करते रहिए। भर्ती जब आएंगी तब पेपर अच्छे से होगा, आप तैयारी करते रहिए। ओके, तो ये यूपी प्राइमरी लेवल टीचर सिलेबस के बारे में आप देख चुके हैं।
अब हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।